हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर वन प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशन ऐप पर, जहां हम सिर्फ पढ़ाते नहीं सिखाते भी। ठीक है, तो अपन ने यहां तक कर लिया था इसको एक्स इक्वल टू जीरो, और जैसे हम कैसे के कट करते हैं, टेंथ टू पावर माइनस सिक्स से टेंथ टू पावर माइनस सिक्स गया। ठीक है, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, देखो इसको इधर लिया है, ये नीचे एक्स है, नाइन के नीचे चार को लेंगे, दोनों तरफ क्या कर लो बच्चों, वर्गमूल कर लो। जैसे हम वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, आर माइनस एक्स बटे एक्स बराबर हो जाएगा तीन बटे दो। अब बच्चों जैसे हम वर्गमूल करते हैं दो मान आते हैं प्लस माइनस में, एक तो प्लस का तीन बटा आएगा, एक प्लस का तीन बटा दो आएगा, एक माइनस का तीन बटा दो आएगा। लेकिन अपने को माइनस साइन नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि अपने को फिक्स पता है कि एक्स का मान इधर ही आएगा, बाहर की तरफ नहीं आएगा। जब मैंने आपको बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत करवाया था तो मैंने एक डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी लिखवाया था, याद है ना, अभी वो मैं लिख दूंगा और याद दिलाऊंगा आपको कि हाँ सर वो फॉर्मूला लिखा था जिसमें आपने कहा था प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है। प्लस साइन तो तब लेते हैं जब हम दोनों आवेश समान प्रकृति के होते थे, और माइनस साइन हम कब लेते हैं जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं। सेम वही वाला केस यहाँ पर है सर, हमें ऑलरेडी पता है कि वो बिंदु इन दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा के मध्य में कहीं ना कहीं है, इसलिए हम प्लस साइन ही लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, देखिए सर यार है 2r माइनस का 2x इक्वल्स टू कितना आ गया 3x, इसका मतलब सर हमारे पास में कितना हो रहा है, ये आ रहा है 5x और इक्वल्स टू कितना आ गया 2r, तो सर हमारे पास में x की वैल्यू आ रही है 2 बाई 5 इन टू आर, और r का मान कितना 10 है, तो 20 बटे 5, इसका मतलब हमारे पास आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर की दूरी पर वह बिंदु होगा 2r माइनस 2x। इस तरह से इसको इधर ले गए, नीचे x स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले एलसीएम लिया तीन, ओ सॉरी वर्गमूल किया, तीन बटे दो आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2r माइनस 2x इक्वल टू 3x, ये कितना हो गया 5x, 5x इक्वल टू 2r, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब सर इससे तो 4 सेंटीमीटर दूरी पर है और उधर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारे पास एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्रता कितनी होगी, जीरो होगी। बाकी आप कैलकुलेशन देख लेना और अच्छे से, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो क्या है, देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अपना है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव को पूरा कंप्लीट करने के बाद ही हम विद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे, वैसे चाहे तो हम पहले विद्युत बल रेखाएं पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव को कंप्लीट करेंगे। बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही रहता है, जहां से एक बड़ा क्वेश्चन जरूर बनता है विद्युत द्विध्रुव से, उसकी अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो अक्षीय निरक्षीय रेखाएं सीखेंगे हम क्या है, तो उससे पहले हमारे पास एक पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। देखो बच्चों सबसे पहले आपको नाम को समझना है, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत का मतलब सर आवेश की बात चल रही, सिंपल सी बात है। द्विध्रुव का मतलब दो तरह की पोलैरिटी होनी चाहिए, ध्रुव जो बना है ना पोलैरिटी से बना है, और सर आवेशों में कहां से पोलैरिटी आ गई, बिल्कुल आवेशों में भी ध्रुवता होती है, एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश, जब दो आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ये ध्रुवता है, एक अलग है एक अलग आवेश है, जैसे एक साउथ पोल होता है एक नॉर्थ पोल होता है, अगर हम चुंबक की बात करते हैं तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होते हैं, दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है, एक से चुंबक की बलरेखा निकलती है तो दूसरे पर जाके समाप्त होती है। सेम यहां पर भी कुछ ऐसा ही है सर, प्लस आवेश से हमेशा विद्युत बलरेखा निकलती है और ऋण आवेश में क्या होती है, समाप्त होती है। इसका मतलब यहां पर विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश लेंगे, प्रकृति विपरीत लेंगे, लेकिन परिमाण में आपको बराबर लेना पड़ेगा। बच्चों बस गलती यही हो जाती है कि आप दो आवेश रख ले तो एक प्लस का एक माइनस का, लेकिन वो दोनों आवेश बराबर परिमाण के होने चाहिए, एक तीन गुलाम तो दूसरा माइनस तीन गुलाम, एक चार गुलाम तो दूसरा माइनस चार गुलाम। तो इसका मतलब इसकी परिभाषा क्या हो गई, जब दो समान परिमाण, जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश, व विपरीत प्रकृति के आवेश
जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के इस निकाय को दो आवेशों का निकाय बन गया अपने पास में, तो आवेशों के इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, चलो जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बिंदु ये ले लिया ए और एक बिंदु ले लिया बच्चों क्या बी, इस पे है मान लो प्लस क्यू और इस पे है मान लो माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी आप मान लो ए, क्या मान लो बच्चों इनके बीच की दूरी ए। तो अगर ये दूरी ए बहुत कम है और ये दो समान परिमाण का, देखो प्लस और माइनस का फर्क है, बाकी तो क्यू और क्यू लिया है मैंने यहाँ पे, तो दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश जो अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव के कुछ एग्जांपल्स है वो देख लो यहाँ पे, उदाहरण देखो बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण क्या, सबसे पहला उदाहरण हो गया अपने पास में NaCl, KCl, और बताओ देखिए बच्चों यहाँ पे NaCl हो गया, KCl हो गया, HCl हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया आदि। अब बच्चे बोले सर शुरू के तीन तो समझ में आ गए, लास्ट के दो समझ में नहीं आए, इनको ही बच्चों समझाता हूँ। देखो बच्चों NaCl को बच्चों हम क्या बोलेंगे, NaCl को हम बोलते हैं Na+ और बॉन्ड होता है और यहाँ होता है Cl-। देख लो यहाँ पे Na पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो दोनों पे आवेश तो समान परिमाण में, प्रकृति कैसी है विपरीत, इसका मतलब दोनों पे आवेश क्या है, एक पे प्लस ई है एक पे माइनस ई है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। KCl में भी सेम टू सेम ऐसा ही है, के प्लस सीएल माइनस, HCl में भी सेम ऐसा ही है, एच प्लस सीएल माइनस। लेकिन H2 अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, H2 जो है ना वो क्या है सर, हमारे पास में एक ऑक्सीजन का परमाणु है और उसके साथ दो हाइड्रोजन को इस तरह से जुड़े होते हैं, एक हाइड्रोजन ये हो गया एक हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन की जो आपकी वैलेंसी होती है वो -2 होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की -2 हो गई, हाइड्रोजन की +1 और +1 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होती है +1 होती है। तो देखो इसे -2 को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, -1 -1, मैंने क्या किया इस -2 को यहाँ पे ब्रेक कर लिया -1, -1। देखो बच्चों एक विद्युत द्विध्रुव तो ये बन गया और एक विद्युत द्विध्रुव आपका ये बन गया, ठीक है ना, यहाँ हमारे पास में माइनस साइन आ गया, यहाँ हमारे माइनस साइन आ गया, तो +-, +-, इसका मतलब दो विद्युत द्विध्रुव बन गए यहाँ पे, दो विद्युत द्विध्रुव का परिणामी मिलेगा। अभी परिणामी चेक करेंगे सर, विद्युत द्विध्रुव जो होता है ना वो कितना प्रबल है उसका पता लगाने के लिए हम एक सदिश राशि काम है जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मतलब सर एक विद्युत द्विध्रुव बन गया, एक विद्युत द्विध्रुव बन गया, तो परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किधर से आएगा, मतलब परिणामी विद्युत द्विध्रुव किसको बोलेंगे, तो वो भी हम सीखेंगे। ऐसे NH3 का देख लो, ये नाइट्रोजन है और इसके साथ में हमारे पास में तीन हाइड्रोजन आई थिंक ऐसे जुड़े होते हैं और यहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या रहते हैं लोन पेयर्स रहते हैं। तो देखो इसके ऊपर +3, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है -3, नाइट्रोजन की जो वैलेंस है संयोजकता वो कितनी होती है -3 होती है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ -1, -1 और -1, तीन तरह से बना लिया। तो देखो और इधर क्या होगा ++ और +, देखो बच्चों एक विद्युत द्विध्रुव ये हो गया, एक विद्युत द्विध्रुव ये हो गया और एक विद्युत द्विध्रुव ये हो गया, देख लो आप खुद देख लो यहाँ पे। इसलिए बोलते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव का जो परिणामी आवेश होता है कुल आवेश होता है वो जीरो होता है। पहला पॉइंट बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, एक विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है, एक विद्युत द्विध्रुव का, नोट में एक चीज आपको याद रखनी है, एक विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश
का कुल आवेश शून्य होता है, का कुल आवेश कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है, चलो दूसरी बात, सर ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये कितना प्रबल है? बहुत सारे विद्युत अभी मैंने यहाँ लिखे, इनमें से कौन सा विद्युत द्विध्रुव प्रबल है, इसका पता लगाने के लिए हम एक भौतिक राशि काम लेते हैं जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या नाम बच्चों? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी वेक्टर से, क्योंकि यह एक सदिश राशि है बच्चों, ध्यान रखना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा याद रखना अपने को, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक भौतिक राशि है और इसको हम पी वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे, और ये जितने भी विद्युत द्विध्रुव है उनमें से कौन ज्यादा प्रबल है उसकी प्रबलता को बताने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण तथा उन आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। और इसे पी वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे। परिभाषा क्या होगी? सिंपल सी, विद्युत द्विध्रुव के दो आवेश, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण लेना है। ठीक है सर, ले लिया, दोनों का परिमाण तो वैसे बराबर ही हो, माइनस साइन हटाना बस अपने को, तथा उन आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल। तो अभी हमने डायग्राम बनाया, तो डायग्राम एक बार वापस बना लेता हूँ बच्चों। देखो यहाँ पे सर, यहाँ पे ए पॉइंट लिया था, यहाँ बी पॉइंट लिया था, यहाँ प्लस क्यू लिया था, यहाँ पे माइनस क्यू लिया था, और इनके बीच की दूरी सर आपने ए रखी थी, बिल्कुल ए रखी थी। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, जो द्विध्रुव आघूर्ण है पी बराबर, वो क्या आएगा? दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी। तो इसका मतलब सर पी बराबर क्या हो गया? क्यू इंटू ए। सिंपल सा, बस एक तो पहले तो फॉर्मूला याद रखना क्यू इंटू ए, इसको मैं सदिश रूप में लिखूं तो ध्यान रखना बच्चों, इसका सदिश रूप देखो यहां पे, सदिश रूप पी वेक्टर इक्वल होता है क्यू, तो आवेश तो अदिश राशि है, आवेश तो है, लेकिन इसका मतलब ए यहां जो दूरी है ना, वो दूरी ना हो गया, विस्थापन बन गया। यहां पे हम जो ए को दूरी ले रहे थे ना, क्योंकि सर दूरी तो अदिश राशि होती है, तो फिर ये सदिश राशि कैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? इसका मतलब यहां पे जो ए है ना, वो सदिश राशि है, और ए जब सदिश राशि है, इसका मतलब इस ए की भी एक पर्टिकुलर दिशा हो गई, और वो दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। बच्चों ध्यान रखना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। इसका मतलब सर यहाँ पे जो ए वेक्टर है, जो आप विस्थापन बोल रहे हो, उसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो हम यहाँ पॉइंट याद रखेंगे, अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है, मतलब ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। फिर इसका मात्रक, फिर इसकी विमा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम इन चीज़ों को लिख लेते हैं, नोट डाल के हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, जिसकी दिशा
ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है, धनावेश की ओर होती है। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट अपना क्लियर है। विद्युत द्रव्यगुण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। दूसरा पॉइंट, विद्युत द्रव्यगुण का ऐसा ही मात्रक विद्युत द्विध्रुवे आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक। बताओ बच्चों, देखिए ऐसा ही मात्रक क्या आएगा, अभी भी हमने सूत्र लिखा, सूत्र से करो आप, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण इंटू उनके बीच की दूरी, तो क्या हो गया कूलाम इंटू मीटर। तो सर इसका जो मात्रक होता है वो अपने पास में क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर होता है। हिंदी में हम क्या लिखेंगे इसको, कूलाम मीटर। ठीक है ना, इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर होगा। क्लियर है यहां तक, कैसे आया दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण इंटू उनके बीच की दूरी, तो भाई आवेश का मात्रक तो कूलाम ही होता है और दूरी मीटर में होती है, तो कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका क्या है, विमा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। चलो बताओ, देखिए बच्चों विमा कैसे करें हम कैलकुलेट, यहां पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। देखो बच्चों, विमा के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, या तो मात्रक होना चाहिए या फिर सूत्र होना चाहिए। तो देखो, पी वेक्टर की जो विमा है, या पी की जो विमा है, वी में सूत्र है, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, कूलाम को तो हम क्या लिखते हैं, कूलाम की विमा तो हम लिखते हैं ए वन टी वन, ये मतलब ए टी हो गया, और लेंथ के लिए हमने क्या लिख दिया एल वन। तो एक चीज बताओ बच्चों, देखिए इसमें एक द्रव्यमान नहीं है। फिजिक्स को बेसिक से समझकर सीखने के लिए और क्लास 11 12th IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।